दोस्तों, कई बार हम जब किसी चीज पे एक्सट्रीम फोकस करते हैं तो हमारा लेंस एकदम फोकस करना बंद कर देता है, मतलब आउट मारता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है ये फोटोशूट या वीडियो के दौरान, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी लेंस को यूज करके एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट ले सकते हैं, वो भी फुल ऑटो फोकस और फोकस ट्रैकिंग के साथ। What's up, my friends? Hope you guys are doing fantastic today. हर लेंस की एक रेंज होती है कि आप किसी चीज के कितना नजदीक जाके उस चीज पे फोकस अचीव कर सकते हैं। और कई बार हम अपने सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं और हमारा लेंस फोकस करना बंद कर देता है, क्योंकि हमने वो रेंज पार कर ली होती है। और नॉर्मली ये जो रेंज होती है ये लेंस के डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिखी होती है। अब अगर आप क्लोजअप शॉट लेने के शौकीन हैं, जिनको हम मैक्रो शॉट्स भी बोलते हैं, तो भाई आपके पास दो ही रास्ते हैं। एक तो आप मैक्रो लेंस में इन्वेस्ट करें, जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है, और दूसरा आप मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब यूज करें। अब मेरे पास यहाँ पे दो मैक्रो एक्सटेंशन ट्यूब्स हैं। एक है मैनुअल एक्सटेंशन ट्यूब, ये बहुत ज्यादा सस्ती होती है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, ये एक तरीके से लोहे का पाइप है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ये कैमरा और लेंस के बीच में लग जाता है। इसमें ना ही आप अपने लेंस का अपर्चर एडजस्ट कर सकते हैं और ना ही आप फोकस एडजस्ट कर सकते हैं, सब कुछ आपको मैनुअली करना पड़ेगा। इस ट्यूब के साथ बेहतर वही लेंस काम करते हैं जिनका अपर्चर और सब कुछ मैनुअल होता है, जैसे कि 7-8 के कुछ लेंस होते हैं या और पुराने वाने के लेंस होते हैं जिनमें अपर्चर भी लेंस से ही एडजस्ट होता है। उसके बाद एक ये दूसरी ट्यूब है मेरे पास जो फुल्ली ऑटोमेटिक है, और ये अभी रिसेंटली मैंने लिया। मेरा आज तक का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है इस ट्यूब के साथ। जब आप इस ट्यूब को अपने लेंस के साथ यूज करेंगे तो आपका लेंस ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि वो नॉर्मली आपके कैमरे के साथ करता है। आपको सारे ऑटो फोकस फीचर मिलेंगे, आप अपर्चर एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सटेंशन ट्यूब का सेट है ये दो तरह की रिंग्स के साथ आता है, एक 10mm की रिंग है और एक 16mm की रिंग है। ये दोनों रिंग्स को आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं और दोनों को एक साथ जोड़ के भी यूज कर सकते हैं। अब डेमोंस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मेरा A6400 में 51 लेंस लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि मैं मैक्सिमम इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता अपने सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए। अगर मैं इससे थोड़ा भी आगे बढ़ूं तो मेरा लेंस फोकस करना बंद कर देगा। लेकिन अब यहीं पे मैं 10mm की रिंग ऐड करता हूं अपने कैमरा सेटअप में, यही वाली, और अब मैं कोशिश करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा और नज़दीक जा पा रहा हूं, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लोजअप ले पा रहा हूं। 16mm की रिंग ऐड करने पर मेरे को ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा और क्लोजअप रीच मिलता है, और अगर 10 और 16 दोनों को मैं ऐड कर दूं तो आप देखिए कि मैं कितना ज़्यादा क्लोज जा पा रहा हूं, और जो मेरी क्लोज फोकसिंग रेंज है वो एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गई है। और ये सब कुछ आपका फुल ऑटो फोकस और कंटिन्यूस ऑटो फोकस, आपको वीडियो मोड में ऑटो फोकस ट्रैकिंग सारे ऑप्शंस सपोर्ट करती है ये रिंग। अब दोस्तों, ये रिंग अमेजोन पे लगभग 3000 के आसपास की, इसके दाम थोड़े फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 3000 के रेंज में ही रहती है। दुख की बात यह है कि ये आपको किसी दुकान में नहीं मिलेगी। अगर आप दुकान पे आएंगे तो आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा, तब शायद आपको एक आध दुकान में मिल जाए। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं और आपको बढ़िया लगे तो आप खरीद भी सकते हैं। और इसके रिव्यू पढ़िएगा, इस रिंग को सबसे ज्यादा 5-star रिव्यू मिले हुए, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। आपने कभी कोई रिंग यूज करी है तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, और जल्दी मैं आपको अगली वीडियो लेके मिलता हूँ। तब तक आप एंजॉय करिए एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।